इन्होंने अभी हाल ही में अकेले एक छोटे से असम राज्य में वहां अपनी सरकार बना के फिर इसकी आड़ में अपनी सरकार के दो वर्ष के पूरे अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर इसका बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में जश्न मनाया है, जिसके प्रचार व प्रसार पर इन्होंने देश की जनता का अरबों खरबों की तादाद में सरकारी धन काफी बेदर्दी से पानी की तरह बहाया है, जबकि इसी धन को ये लोग देश में सूखे से पीड़ित किसानों एवं अन्य जरूरतमंद गरीब व असहाय लोगों के ऊपर भी खर्च कर सकते थे और ये सब अपने देश की जनता से छिपा नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में देश के कुछ राज्यों में हुए राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पार्टी की दो दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां प्रदेश में कुछ समय के बाद विधानसभा के होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर ये सोचकर बुलाई थी कि इन्होंने यहां उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या को जानते हुए भी केवल खरीद फरोख के आधार पर एक और ज्यादा विधान परिषद व राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जिताकर फिर उसे प्रदेश में बुलाई गई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए या उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाने व बिगुल बजाने की भी इनकी एक ये बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति थी, जिसमें ये पार्टी अपने इन दोनों उम्मीदवारों को हराकर अब काफी बुरी तरह से नीचे जमीन पर आ गई है। लेकिन अपनी इस हार व रणनीति पर से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए फिर इस भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई देरी किए हुए तुरंत ही एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही यहां जबरन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र के कुछ लोगों का पलायन करने का मामला कुछ ही घंटों के अंदर मीडिया आदि में जबरदस्त गरम करके फिर यहां पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐसा प्रचार किया जैसे वहां मुसलमानों ने ही हिंदुओं को जबरन पलायन करने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं बल्कि इसकी आड़ में यहां हिंदू मुस्लिम दंगे फिसाद कराने के भी इनकी बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी, ऐसा अधिकांश लोगों का ये मानना है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इनकी इस घिनौनी राजनीतिक साजिश को यहां बीजेपी से मिली सपा सरकार तो विफल नहीं कर सकी, किंतु इसको यहां मीडिया ने ही विफल किया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने देश में समझा जाता है, अर्थात मीडिया ने ही इसे विफल किया है, जिसके लिए हमारी पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की अमन चैन प्रसन्न करने वाली जनता भी इनकी अति आभारी है। वरना उत्तर प्रदेश में इसी मुद्दे की आड़ में यहाँ जबरदस्त दंगे फिसाद भी हो सकते थे। इसके अलावा जहां तक आजादी के बाद या खासकर उत्तर प्रदेश से लगातार हो रहे पलायन का मामला है, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से लगातार हो रहे पलायन का मामला है, तो इस बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से लेकर अब तक खासकर कांग्रेस बीजेपी व सपा इन तीनों ही पार्टियों की सरकारों में यहाँ प्रदेश के अधिकांश जिलों से काफी बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ है, परंतु इनमें अंतर केवल इतना ही है कि कांग्रेस व बीजेपी के शासनकाल में यहाँ से लोगों का अधिकांश अपनी रोटी रोजी के लिए ही खासकर दिल्ली व मुंबई आदि जैसे अनेकों और बड़े बड़े शहरों में पलायन हुआ है, लेकिन वर्तमान सपा सरकार में भी अकेले यहाँ कैराना क्षेत्र से ही नहीं
बल्कि प्रदेश के और भी अन्य जिलों से व खासकर बुंदेलखंड के क्षेत्र से जो व्यापक पलायन हुआ है, जो अभी तक भी जारी है, इसका प्रमुख कारण सपा के लोगों की गुंडागर्दी व दबंगई के साथ साथ वहां के लोगों की गरीबी व उनके लिए उचित व जरूरी सरकारी सहायता के अभाव में भुखमरी की स्थिति का ही होना खास है। इसके साथ साथ यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं कि वैसे तो सपा की सरकार खासकर अपराध व अराजकता के लिए ही जानी जाती है, परंतु इस बार सपा सरकार के पूर्ण बहुमत में आ जाने की वजह से शुरू से यहां समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहे गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अराजक, आपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़कर अब आसमान तक पहुंच गया है, जिस कारण यहां उत्तर प्रदेश के लगभग 22 करोड़ जनता का न्याय व अमन चैन के साथ जीवन व्यतीत करना अब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। और इस समय पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, हर प्रकार के अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। उड़ता पंजाब को बैन किया जा रहा है, आज भी वो सच्चाई को नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि उस सच्चाई से उनका फायदा हो रहा है, रोज उनका फायदा होता है इस सच्चाई से, पंजाब में ड्रग से, पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है उससे अकाली दल को और उनके नेताओं को फायदा हो रहा है।